from the yard. हेलो दोस्तों, तुम्हारे भाई फिर से आ चुके एक शानदार एंड मजेदार सिलसिला लेके। सो यार गाइस, पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा गीगा हमको कैसे फाड़ दिया था। बहुत जबरदस्त मजा आया उसको पकड़ने में भी। तो यार गाइस, इस एपिसोड में भी भाई मेरे को देख सकते हो एक गीगा मिल चुका है, बट इसको अभी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों को सैडल चाहिए। भाई गीगा के सैडल आप उनके पास अभी तक नहीं है, तो इसलिए आप चलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑफ आर्टिफैक्ट को फोड़ते हैं। तो राम निकला रे, देव मारुस निकला, क्योंकि वहां से आप उनको शायद मिल जाए, पता नहीं कितने बार में मिलेगा। सो आप ट्राई करेंगे कि सैडल मिल जाए। सैडल के बिना यार मजा नहीं आ रहा। आप उनके पास गीगा है बट राइड नहीं कर पा रहे, तो सोचो यार कितना बुरा लगता है। तो इसलिए मैं सोचा कि अभी चलते हैं। एक्चुअली गाइस, तुम्हारे भाई का लेवल भी कुछ इंक्रीज हो जाएगा, 75 से 70 तो कुछ हो जाएगा ना, 2-3-4 जो भी मिले फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स गो गाइस, सबसे पहले तो एक बेड लगाए थे, अंदर जाके मर भी सकते हैं कोई भाई, पता नहीं क्या होगा, थोड़ी ना अपन गॉड है। समझ गया। जबरदस्त एंड खतरनाक रिनों के साथ चलते हैं गाइस अंदर, और देखते हैं अंदर घुसने के बाद क्या होता है। सो भाई अभी थोड़ा सा लैगी हुआ, क्योंकि यार इधर क्यों में लैग तो थोड़ा सा होता ही, मतलब घुसने के टाइम, बाद में तो ठीक ठाक हो जाता है। सो लेट्स गो, यहाँ पे हर एक चीज़ तो जहरीला ईरी होने वाला है क्योंकि ईरी इवेंट चल ही रहा। सो यार यहाँ पे छोटा सा एक होता है ना, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं भी, बहुत मतलब बहुत टाइम तुम लोगों को बताया है। और ओके, और जो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा तबीयत बबीयत ख़राब था क्या, इतने दिन तक क्यों नहीं आया। सो यार मेरा पेपर था इसलिए नहीं आया। तो लेट्स गो गाइस, अंदर घुसते। तुम्हारा भाई एकदम हस्त है, एकदम भाई हेल्थ में एकदम जबरदस्त है, नो टेंशन। सो गाइस अंदर घुसते हैं फटाफट। सो यहाँ पे यार कलरफुल, वाह भाई साहब ऑनिक है कलरफुल। यार ऑनिक क्या सैडल वेडल कुछ नहीं है, मैंने एक बार टेम किया था, बट यार इसे ही टेम करके छोड़ देना पड़ता है उससे, और क्या ही होता है। सो गाइस यहाँ पे पानी में डुबकी लगाता, और ये जहरीला पानी बहुत ही खतरनाक होती है। सो क्या ही कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बातों नहीं गाइस, बात तो अभी आएगा, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा अपना खतरनाक सिलसिला, क्योंकि यहाँ पर डायनो भाई साहब। आई होप मेरा ऑय ब्लॉक ना करे, यानी मेरा रास्ता, जो भी बोलो। सो लेट्स गो। सो यार गाइस अपन आ चुके हैं नेक्स्ट जहरीला पानी के पास। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रू पी लेते हैं, यानी ब्रू को सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ भी हो सकता है इधर। ये लोग कुछ ज़्यादा स्पॉन ले लिया, तो बाद में ऐसा होता है कि भाई वही नहीं मिलता जाने के लिए, और गलती से मुक्का मुक्का लग गया ना, फिर एरिनो शहीद, मैं भी शहीद, समझ रहे हो ना, मार देगा दोनों को। सो लेट्स गो, ऐसे भी रन बन कर सकते बट भाई मतलब भाई रिस्क नहीं लेना चाहता उल्ट टूट लेके इधर घुसने का, भाई बहुत तंग होती है ना, समझ रहे हो। प्यार से जाएंगे, प्यार से आर्टिफैक्ट लेंगे, चुराएंगे और आ जाएंगे। क्यों भाई मारपीट करना, इतना मारपीट मुझे पसंद नहीं, अभी तो पसंद नहीं। सो लेट्स गो, यहाँ पे लूट करेट नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे किसी से लड़ाई पसंद है ना कुछ पसंद है, इसलिए भाई मैं शांत रहता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो कलरफुल हो भाई, ये सारे कलर एक साथ एक कलर हो रहा है भाई, वो देख के तो मज़ा आ गया भाई। डिफरेंट कलर होता तो मज़ा और भी आता, बट ये देखो दोनों का कलर सेम है, और एक का ये कुछ भी यार, एक टाइम में एक ही कलर चेंज हुआ, चलो मजा आ गया देखने में। ये ईरी हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता, 11 तारीख को शायद चला जाएगा, बट ये सर्वर में तो बहुत टाइम तक रहेगा, सो अलग बात है। सो यस, इसको तोड़ देते हैं अपना हेडसेट से, क्योंकि अंदर घुसने के लिए वही चाहिए। सो इसको अपने तोड़ दिया, आई होप क्रिस्टल और कुछ मिल गया, इन लोगों को फेंक देते हैं, नहीं तो भाई हेवी हो जाएंगे, और हेवी लोड लेके मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। और थोड़ा सा ब्रू पी लेते हैं ना, दिक्कत का लूट क्रेट मेरे को नहीं चाहिए, लूट बूट इसके चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता, सीरियसली बताओ तो गाइस। तो लेट्स गो आगे बढ़ते हैं, ये देखो गाइस झूठ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो यार गाइस ढूंढ करके आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे इतने सारे डायनो भाई क्या ही बताऊँ, जस्ट खतरनाक है। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। और गाइस तुम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले गीगा देखा, कौन चाहता है कि उसको पकड़ो भाई, पिछले वाला गीगा पकड़ने में तो फट गया था, बट जो भी हो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट अपना स्ट्रॉन्ग हो पार्टी कैट। व्हाट आर यू, अरे क्या बोल रहा हूँ, व्हेयर आर यू मेरे जान। सो इससे पहले भाई साहब, भाई यहाँ पे भी इतने सारे डायनो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जस्ट कंफ्यूज्ड भाई, इतने सारे डायनो कहाँ से आ गया, बट छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं। भाई साहब फिर भी भाई बहुत 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 ज़्यादा कम है बोल सकते हैं, क्योंकि यार पिछले बार जब मैं घुसा था ना इतने सारा था, मतलब मैं एरनो लेके जाने का प्लेस भी नहीं रखा था। यहाँ पे भी देखो कलरफुल्स डायनोस,
क्या चाहते हो मैं यहाँ पे उतरू उसको गुस्सा मारूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। मस्ती मजाक एक्साइट और स्ट्रॉन्ग के वार्क से, ठीक है? यहाँ पे मस्ती मजाक ज़्यादा नहीं कर सकते। और कभी कभी पहले क्या होता पता है, जब मैं नया नया था ना यहाँ पे आके, यहाँ पे जाके आटक देता, मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता कि इसके बाद क्या करना था भाई साहब। मतलब किसी का भी मैं हेल्प भी नहीं मिल पाया मुझे कि कहाँ कर पाऊँ क्या करूँ। सो बाद में यार मैं सोचा कि चलते हैं यहाँ से ही चलते हैं। सो फिर मैं ये वे चूज़ किया और यहाँ पे जाते जाते पता चला, और सबसे गंदा बात था कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्रिस्टल तोड़ के उधर जाना पड़ता था। तो बाद में पता चला कि ये क्रिस्टल ही वो चीज़ें है जिसको अपन तोड़ने के बाद वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट के पास पहुँच सकते थे। तो लेट्स गो, अब इसको तोड़ देते हैं। पहले होता ही था मेरे को, मतलब समझ में नहीं आता ये क्रिस्टल मिस्टल क्या चीज़ें था। तो लेट्स गो, अभी तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों के साथ तुम्हारा प्यारा वाला भाई है। कोई भी दिक्कत है तो अपने को डिस्कॉर्ड में DM कर सकते हो या तो इधर भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा हर किसी का चीज़ें पढ़ता हूँ और रिप्ले भी फटाफट दे देता हूँ। सो लेट्स गो, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार मेरे को यहाँ पे कुछ मछलियों ने जकड़ लिया था, मतलब इतने सारा मछली स्पॉन था कि मेरे को जाने के लिए वही नहीं दिया रास्ते, ठीक है? सो इस बार देखते हैं, ठीक है इस बार जा सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं इधर से जाए, यार यहाँ से जाएंगे कैसे? यहाँ पे मछली नहीं है, नहीं तो मछली में अटक जाएंगे ना, फिर क्या होगा? जो अपन को डैमेज देता रहेगा वाटर, तो दिक्कत। तो चलो यार लगभग अपन क्रॉस कर चुके हैं, और जस्ट थोड़ा सा ही है, और थोड़ा सा ये अपन को क्या गीगा का सैडल का ब्लूप्रिंट मिलेगा पहली कोशिश में? आई डोंट नो, मिल जाए तो यार बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को दूसरी बार आना पड़ेगा, तब तो यार उर उर के आऊँगा। ओके सो यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक डायनोस, यस यस मेरे को लगा था यहाँ पे बहुत सारा उल्फ होना चाहिए, तो उल्फ है ही। सो आगे बढ़ते हैं। सो अपन पहुँच चुके हैं लगभग गाइस अपना स्ट्रॉन्ग के पास, यानी आर्टिफैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब इसको ले लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत थोड़ा सा मेहनत नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही किया, ज्यादा ज्यादा नहीं किया, बट ठीक ठाक किया। सो लेट्स गो, पहुंच चुके हैं और गाइस मैं यहाँ पे उतरूंगा, इससे पहले स्वॉर्ड ले लेते हैं क्योंकि बैड बैड आ सकता है। उस साइड जो उड़ रहा था देखा ना, वो लोग आ ही सकता है, तो रिक्स नहीं लेने का। अरे वाह वाह, तुम्हारा भाई रिक्स नहीं लेगा। सो इसको अपन पकड़ ले, रुक जरा, पहले तो ये आ गया और इधर से उतरता। अब देखना उल्फ, मुझे पता था ये उल्फ टू मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। आ जाओ पानी में कूद जाओ, अभी इधर इधर रुकेंगे, रुको। अभी सब ये कूद गया पानी में, कूद गया, यही तो चाहिए था भाई। अब इसको आराम से लेंगे और प्यार से लेके यहाँ से निकल जाएंगे। सो लेट्स गो, सप्लाई सेंटर से इसको लिया और अपना इरिनो, रुको जरा इसका बेड बेड छोड़ते हैं, और यस गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे बेड लगाने नहीं लगेगा, छोड़ो यार बैट बैट का छोड़ते हैं, अभी पहले तो देखते हैं, बाद में आएंगे ना। अरे तब बैट बैट का सोचेंगे, अभी तो पहले वाला निकल जाते हैं ना, पहला वाला है मुश्किल। अरे भाई व्हाट आर यू डूइंग नाउ यार, हल्का हल्का भाई साहब। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसने मंडप जैसा कुछ बना के रखा है यार, घर बनाया बनाया खतरनाक बनाया। और यहाँ पे ये लोग कलरफुल नहीं है, इन लोग ओल्ड वाला होगा, इन लोग को मारना चाहिए। न्यू वाला स्पॉन हो जाता तो मजा आता, सब लोग कलरफुल होता तो कुछ अलग ही स्वैग होता। और यहाँ से किधर से यस आए थे, यस क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से नहीं, मछली की वजह से पानी में जा करके पानी ने मुझे मार दिया, तो दिल पे बहुत बुरा लग गया। और एरिनो से उतर गया तो भाई क्या होगा तुम लोग को पता है। तो लेट्स गो, तो लगभग गाइस अपन पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बहुत ही है अभी, अभी बहुत रास्ते बाकी है। अरे बाबा यहाँ पे ये लोग को इग्नोर मारते हैं। कहाँ से आए थे गाइस? इधर से तो आए थे ना, ओ लाला, यहाँ से आए थे, यहाँ से ओके। यहाँ पे बहुत सारा उल्ट था, तब भी था, अब भी है। यस यस हम लोग डू इट करेंगे, हम लोग डू इट करेंगे गाइस। कोई गाना वाना बजाओ यार, डीजे वीजे बजाओ, डू इट करेंगे, डुएट नहीं डुएट करेंगे। डू इट करेंगे, डू इट। ओके यहाँ पे रे रे कलरफुल वाला भाई साहब, क्या कर रहे हो यार, छोड़ो यार, पागल हो क्या? मुझे मार के क्या फायदा मिलेगा तुम लोगों को? ओके मरे मेरा दुश्मन, मैं क्यों मरूं? मेरा दुश्मन भी ना मरे यार, वो भी जिंदा रहे, हर कोई जिंदा रहे। 500 लेवल का ओनिक्स यार। ओके किसी का बुरा चाहना चाहे वो बुरा खुद के साथ होता है, तो इसलिए किसी का बुरा भी नहीं चाहता मैं, बहुत तरक्की करे। जो भी। सो लेट्स गो,
यहाँ पे कितना मस्त मस्त कलर का है भाई। अरे भाई गाइस, मैं छोटा हाल पकड़ूंगा यार कलरफुल वाला। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस बहुत सारा, मतलब बहुत सारा डायनो एक साथ पकड़ लूंगा, ठीक है, बहुत सारा। कौन सा पकड़ू बताना, 4-5 तो एक साथ पकड़ लूंगा एक एपिसोड में, मजा आएगा ना गाइस, क्योंकि वो छोटा छोटा ही पकड़ूंगा ना, छोटा मतलब यार गिगा तो वो जीव देखा वो तो पकड़ूंगा, वो अलग साइड है। इसके बाद यार 4-5 डायनो एक साथ पकड़ूंगा एक एपिसोड में, मजा आएगा यार। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक एक्सप्लोरर नोट है ना, उसको ले लेते रुको जरा। कितना लेवल मिलेगा तुम्हारे भाई को, आई डोंट नो, मैं सोचा कि थोड़ा सा कर लेते। मैं एक्चुअली अभी तक तो ये जो होता है ना और एक खतरनाक के उसका रेडवुड वाला उसमें भी नहीं घुसा, उसमें से तो थोड़ा सा लेवल मिलेगा ना, तो उसमें घुसेंगे रुको जरा। उसके लिए मुझे एक उल्फ पकड़ना चाहिए और जो कलरफुल वाला ही पकड़ूंगा ये वाला, वो भी खतरनाक लेवल वाला, क्योंकि मेरे पास उल्फ भी नहीं है शायद, मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम से नहीं है ना, नहीं है शायद पिछले एपिसोड में, कौन सा एपिसोड में तो मैंने उल्फ नहीं पकड़ा, सो नहीं होगा, पकड़ लूँगा, उसका दिक्कत क्या है। तो आई होप गाइस तुम लोगों को ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा, और कैसा लगा ये केव में घुसने में और बाहर निकलने का सिलसिला। और भी बहुत रह गया, अभी सेडल बनाऊंगा, गीगा से थोड़ा फाइट बैट करूंगा और भी कुछ लाइट आगे बढ़ते हैं। आई होप मिल जाएगा 1-2-3 ट्राई में, पता नहीं लक के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे भाई का लक थोड़ा सा साथ दे देगा तो मजा आ जाएगा। नहीं, ये गेम भाई मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये गेम मुझे कभी भी तंग नहीं किया इतना ज़्यादा, जैसा मुझको कुछ चाहिए तो यार 1-2-3 बार में यह मिल जाता, तो इसलिए मुझे ये इतना तंग नहीं करता, इसलिए मैं इतना खेलता हूँ। जैसे ब्लू प्रिंट मैं फार्म कर रहा हूँ, सोचो ज़्यादा बार ट्राई नहीं करना पड़ता, मिल जाता है, सो दैट्स कुछ भी। ओके लगभग गाइस तुम्हारे भाई पहुँच चुके हैं बाहर, लगभग ओके, सो फाइनली बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं, अरे अरे रुको जरा 200% भी बोल सकते हैं कि अपन निकल चुके हैं। लैग बा क्रैश ना मारे तो यार इतने देर तक तो ठीक है। सो यार गाइस फाइनली अपना आरजी का मुंडी दिख गया, यानी मैं निकल गया, सो बहुत बहुत बधाई मुझे नहीं तुम सब लोगों को, क्योंकि इतने देर तक बैठ बैठ के ये जहरीला वीडियो देखने के लिए। तो सो फाइनली गाइस अपन को थोड़ा सा लेवल अप मिल चुका है और अपन को आर्टिफैक्ट टॉप स्ट्रांग मिल चुका है। म्यूजिक तो यार गाइस अभी देख लेते हैं, 3 लेवल मिला यार, ठीक है ठीक है, कोई ना यार, मुझे ज्यादा लालच नहीं लेवल का, इतने लेवल से लेवल करना चाहिए तो कब का ही कर लेते ना, अभी भी कितने सारे चीजें करना है लेवल अप के लिए। इधर ओके बहुत है 78, अरे आराम से हो जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, अभी प्यार से ट्रिब्यूट करने के लिए चलते हैं। सो गाइस अपन पहुंच चुके ट्रिब्यूट का सेंटर, यानी ब्लू, इसको ऑब्लिक बोलेंगे, क्यों बोलेंगे तो भाई तुम लोग मारोगे। तो यार गाइस वहीं पे पहुंच चुके जहां पे तुम लोग सोच रहे हो ब्लू ऑब्लिक ग्रीन ऑब्लिक नहीं है, ये व्हाइट ऑब्लिक भी हो सकता है, जो भी हो वो। सो यार गाइस क्या मिलेगा, पहली बार में मिल चुका है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ भाई तुम्हारे भाई को पहली बार में ही गीगा का सेडल मिल चुका है, सो और क्या चाहिए यार गाइस, मुझे ज्यादा भी नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा हाई वाला आर्मर होगा, मतलब ज्यादा खतरनाक वाला होगा तो उसको बनाना में बहुत मेहनत होगा, तो शायद थोड़ा सा लो लेवल ही मिला प्लीज, नहीं तो बना नहीं पाऊंगा। कितना है सकते हैं, अरे इजी बन जाएगा, इजी पीजी, इतने सामान तो तुम्हारे भाई के पास है, तो गाइस अभी एक बना के ले आते हैं, मतलब यार बना के सीधा अपन गिया के पास ही मिलेंगे, क्योंकि यार ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, 600 ही कुछ मेटल चाहिए, सोचो यार इससे ज़्यादा मिलता तो क्या फाट जाता मेरा यार। A few moments later. सो गाइस तुम्हारे भाई खतरनाक तरीके से बना के ले आ चुका है खतरनाक गीगा का सैडल, सो आई होप गाइस अब यार मजा आएगा। अरे भाई यहाँ पे इन मेमोतों ने भाई रेक्स को फेल दिया, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है, रेक्स बेचारे का है यार, एकदम सब कुछ डुबा दिया, जितना इज्जत था भाई साहब मेमोत हो भी बोलते यार, अरे भाई इरी मेमोत अभी पकड़ा नहीं क्या, वो बोला ना नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसा एपिसोड बनाऊंगा जहाँ पे यार जितने जितने सारा होता है ना सब पकड़ लूंगा, जो जो यार नॉर्मल मिल जाता है। ओके माय गीगा, सो फाइनली गाइस अपने गीगा के ऊपर राइड कर पाया फाइनली, जो लोग लो लेवल्स हो मुझे बोलते हो कि भाई गीगा का सेडल देगा कैसे फार्म के, जस्ट ऐसे फार्म कर लो ठीक है, टेंशन क्यों लेने का, मतलब बहुत लोग होता है ना कि यार 100 लेवल से खेलना नहीं पसंद करता, जैसे मेरी तरह नॉर्मली हल्का हल्का लेवल अप करा के खेलना पसंद करता है, सो वो लोग लिया क्यों, मैं भी चाहता तो लेवल अप वेवल अप कर सकते, बट नहीं भाई स्टिल भाई ऐसे लो लो करके थोड़ा थोड़ा लेवल अप करके खेलने में बहुत मजा आता है, नहीं तो यार ऐसे भाई एकदम दिमाग खराब हो जाता है क्या करो क्या ना करो। सो गाइस आई होप तुम लोगों को ये खतरनाक वाला सिलसिला पसंद आया, नेक्स्ट एपिसोड में क्या करना चाहे कमेंट करके बताना है यार, फटाफट बताओ यार कहाँ पर तुम लोग हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, एक्चुअली मैं तो मोबाइल के इस साइड हूँ, तुम लोग उस साइड हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सिलसिला के साथ, लव यू ऑल, बाय गाइस।
बाबा।